तरह की लागू हुई है। अब आपका सवाल किस तरफ है, योगी जी की तरफ का सवाल है या सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है आप उस पर प्रतिक्रिया चाह रहे हैं? नहीं, अब वो उस आदेश पे तो आज सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि नेम प्लेट का जो ये फैसला है वो सरासर संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो साफ तौर से ये कहता है कि लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, खानपान और बोली भाषा के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से जो कावड़ जैसी जो पवित्र चीज़ है, जो पावन चीज़ है, तो इसमें अगर आप हिंदू मुसलमान का ये जो एक राजनीतिक पुट लेके आ रहे हैं तो वो कहीं भी ना तो देश की जनता के लिए ठीक है और ना ही संविधान के लिए ठीक है, क्योंकि हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो साफ तौर पे कहते हुए नज़र आए और जो ये चुनाव है वो संविधान के ऊपर ये चुनाव हुआ और बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश करी है और ये जो फैसला है चाहे वो योगी जी का हो, पुष्कर धामी जी का हो और केंद्र सरकार की भी इसमें मौन सहमति रही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये फैसला मोदी जी का है, तो साफ तौर पे ये वोट को पोलराइज करने की कोशिश है, आगामी चुनाव में एक हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश रही है। लेकिन इसमें हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बढ़िया फैसला दिया, एक साहसिक फैसला दिया और इस फैसले के बाद अब एक चीज़ तो साफ हो गई कि देश संविधान से ही चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा, देश में इस तरह की जो हिंदू मुसलमान के नाम पे जो भेदभाव है वो इस देश में अब चलने वाला नहीं है साहब। नहीं देखो साहब, सुरक्षा एक अलग चीज़ है, उसका अगर सुरक्षा की दृष्टिकोण से काम करना है तो इसमें सरकार अपने तरफ से इंतजाम कर सकती है। जो हरिद्वार है वहाँ से लेके दिल्ली और जहाँ जहाँ भी कांवड़िए जा रहे हैं तो सरकार अपनी तरफ से वहाँ इंतजाम कर ले, खाने पीने का वहाँ इंतजाम सरकार कर सकती है। जब हजारों करोड़ रुपए का कांवड़ यात्रा का आपका बजट है तो उसी बजट में से आप खाने पीने का इंतजाम हर 5 किलोमीटर पे खाने पीने का, रुकने का इंतजाम सरकार द्वारा करवा दीजिए, तो इस तरह का जो ये विवाद है ये विवाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार इस विवाद को ख़त्म नहीं करना चाह रही है, सरकार इसको आगे तूल देना चाह रही है, जबकि देश की जनता ने हिंदू मुस्लिम का जो ये मुद्दा है बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। आप देखो साहब, अयोध्या ये लोग हार गए, करारी हार हुई, उसके बाद बद्रीनाथ भी ये लोग हार गए, अब केदारनाथ की बारी है, केदारनाथ में भी उपचुनाव होना है और अगर इसी तरह के इनके इनके जो चाल चरित्र रहे, इनके भाव भंगिमाएं अगर इसी तरीके की रही तो वो दिन दूर नहीं कि केदारनाथ भी बीजेपी हार जाएगी। देश की जनता को तोड़ने की मंशा थी, आप लोग तो इस बात को भलीभांति जानते हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम का जो एक खाई है उसको बढ़ाने की इनकी कोशिश थी, ये लोग ये चाह रहे थे कि आपस में भेदभाव बढ़े, आपस में खटास बढ़े। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हुए हैं जिसमें ये भी देखने को मिला है कि कावड़ जो भर रहे हैं तो हिंदू साथियों के साथ कुछ मुसलमान दोस्त भी जा रहे हैं कावड़ भरने के लिए। यादव जी, एक वीडियो ये भी वायरल होता है कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए जो